किरायेदारों का सत्यापन जल्दी करा लो, नहीं तो हो सकते आपको ऊपर चालान और 3 महीने का जेल भी हो सकता है। किरायेदारों का सत्यापन के लिए जो भी दस्तावेज की आवश्यकता है वो दस्तावेज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो की स्किप मत करना। और यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना कि जब भी कोई मैं नया वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। तो सबसे पहले अपने जो किरायेदारों का जो दस्तावेज है, जो दस्तावेज उनको चाहिए, वो दस्तावेज है उनकी 2 फोटो, आधार कार्ड, चलते प्रमाण पत्र और स्थायी प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, मकान मालिक की ओर से रेंट एग्रीमेंट, अपने आधार कार्ड और 1 फोटो। सारे दस्तावेज जब आपके पास एक इकट्ठा हो जाए उसके बाद आपको कुछ फॉर्म की आवश्यकता होती है, जैसे कि मैं बताने वाला हूँ वो भी कौन कौन से फॉर्म की आवश्यकता होती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप करके ना देखें तो फिर आपके समझ में नहीं आएगा। तो कौन कौन से फॉर्म है मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे नंबर 1 ही चरित्र प्रमाण पत्र है, ये आपको अपने नज़दीकी थाने से मोहर लगवा के लाना होगा। उसके बाद है आपका निवास प्रमाण पत्र जो अपनी ग्राम सभापति या वार्ड मेंबर द्वारा सत्यापित होगा। उसके बाद सारा फॉर्म जब आपके पास हो जाए उसके बाद इस फॉर्म को भर के अपने नज़दीकी पुलिस थाने में जमा करना होगा। जल्दी जमा कर लें नहीं तो आपके ऊपर चालान हो सकता है। इस वीडियो में जो भी हमने जानकारी दिया है इस जानकारी को नज़रअंदाज ना करें, कि जो भी जानकारी दिया हूँ थोड़ा सही जानकारी दिया हूँ, तो जल्दी जल्दी अपने सत्यापन करा लें नहीं तो आपका हो जाएगा चालान। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में।